Mm-hmm. Lend ki te ouvi. Hmm. okay now tell me if they are traveling in the same direction so what is the difference of the speed 15 kilometer per hour. correct so first we need to find the difference of the speed which is 15 kilometer per hour okay so this is the difference at which this train is going to overtake it करेक्ट बिकॉज दोनों का अगर स्पीड सिक्सटी सिक्सटी हमने कट कर दिया तो बचा कितना फिफ्टीन किलोमीटर पर आर समझ में आया ये स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड हाउ वी गॉट तो सब्ट्रैक्शन तो है टू yes, तो किया है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ओके नाउ दिस फिफ्टीन किलोमीटर पर आर को पहले हम करेंगे इनटू टू फाइव बाई एटीन टू गेट मीटर्स पर सेकंड सो विच इज सेवेंटी अपॉन एटीन मीटर्स पर सेकेंड टाइम टेकन इज हाउ मच नाइनटी अभी जब ये सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक करेगा कंप्लीटली सो so, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन यस और नो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस टू ट्वेंटी फाइव विच इज लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन सेकेंड ट्रेन का लेंथ टू ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है समझ में आया तो, तो second train का completely overtake का मतलब क्या होता है अभी हमने बाकी दो सम्स में भी किया जब आप कंप्लीटली कोई बड़े चीज को ओवरटेक कर रहे हो मतलब उस चीज का लेंथ प्लस खुद का लेंथ करते हैं हम क्योंकि वो हम जब हमारा

plus 225 which is length of the second train or the faster train this is your speed this is your time okay we need to find distance so distance is equal to speed into time this is your distance okay but we need to find length of the first train 225 to hammer a so l plus 225 is equal to 75 by 18 into 90 correct

smaller train or the slower train okay is equal to 375 minus 225 which is 150 meters One hundred and fifty. to show is this clear everyone? Yes, sir. Yes. when you are solving such type of questions you just need to understand what is the total length or the distance you are going to travel if you make mistake in that then the whole question will go wrong okay so now see in question number 12 i am just giving you hints okay so question 12 mein diya hai train plus tunnel okay तो आपको क्या करना है ट्रेन इज ट्रेवलिंग थ्रू अ टनल एंड व्हेन विल इट पास द होल टनल दे हैव आस्क्ड So, आपको टोटल डिस्टेंस क्या लेना है ट्रेन प्लस टनल तो टनल का लेंथ दिया है फोर हंड्रेड जो भी दिया हुआ होगा एंड ट्रेन का लेंथ है दिस क्लियर क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज आल्सो सेम ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म सो आपको यह समझना है कि जब एक पर्सन है सिग्नल पोस्ट है या पोस्ट लाइट पोल लाइट है जो भी वो लाइट का जो पोस्ट होता है वो वो ट्रैवल अगर वो क्रॉस करना है तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ क्रॉस होता है जब आपको टनल प्लेटफॉर्म ये सारे चीजें दिए हैं तब दोनों का लेंथ आपको ऐड करना होता है हाँ बोलो स्नेजा सर कैन यू प्लीज शो हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल क्वेश्चन 6 आई डिडंट अंडरस्टैंड डायग्राम व्हिच एग्जांपल टेक्स्ट बुक एग्जांपल क्वेश्चन 6 ओके सिमिलर क्वेश्चन अभी हम फोर्टीन एग्जाम्पल टेक्स बुक में भी दिया हुआ है अ ट्रेन हंड्रेड एंड टेन मीटर इन लेंथ इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ फिफ्टी एट किलोमीटर पर आवर ओके टाइम इन विच इट विल पास अ पासर बायिंग फोर किलोमीटर इन द सेम डिरेक्शन तो देखो यहां पर है आपका ट्रेन यहां पर है ये पर्सन दे आर गोइंग इन द सेम डिरेक्शन पर है इसका स्पीड है फिफ्टी एट इसका स्पीड है फोर तो ओवरटेक करने का जो स्पीड है वो कितना है आपका डिफरेंस आपको डिफरेंस ऑफ हाँ वेरी गुड डिफरेंस ऑफ स्पीड इज इक्वल टू

Yes no? okay, so तो तो इट से चार चार किलोमीटर का स्पीड हटा दिया है so इसका हम ऐसा कर रहे हैं कि ये स्टेशनरी हो गया अभी समझ में आया तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है उसका डिस्टेंस तो डिस्टेंस इज दिस दिस इज योर स्पीड वॉट यू मीटर्स रिमेंबर ये आप एक चीज याद रख लो ओके इफ टू थिंग्स आर गोइंग इन सेम डिरेक्शन ओके तो आपको क्या करना है स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है स्पीड विल बी सब्ट्रैक्टेड टू थिंग्स आर गोइंग इन अपोजिट डिरेक्शन विल एट द स्पीड ओकेर स्टूडेंट इज दिस क्लियर ओके ये नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो इसको Sir, can you send the number of sums you have to do for homework on the group? The worksheet sums, I don't remember. Okay, that you please take for someone else. If anyone has marked the worksheet questions which are for homework, please send it on the group. Okay, Kanan, do you have the sums? Sir, I have the sums marked. Okay, Anshita, please tell me worksheet ke questions. Just let me write it. Okay, wait. हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर क्या क्या है सर टू थ्री वर ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लास जस्ट टूडेट सर ओनली थ्री सम्स वर गिवन फॉर होमवर्क सर

होगा आपको थोड़ा सम्स अब ये नोट डाउन कर लिया तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं टेक्सट बुक टू ट्रेन ऑफ लेंथ इज गिवेन सो ट्रेन वन इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड मीटर्स एंड ट्रेन टू इज फाइव हंड्रेड मीटर्स आर रनिंग इन द अपोजिट डिरेक्शन दे पास ओवर इन जीरो पॉइंट सिक्स मिनट ओके दे क्रॉस इच अदर 0 0.6 minutes speed of one train is 60 kilometers per hour speed one find the speed of other train okay to cross each other how much distance they are covering tell me 1100 meter very good

करेक्ट है आपका जो भी आप लॉजिक लगा रहे हो इट्स कम्प्लीटली राइट बिकॉज देन दे आर गोइंग अपार्ट सो जो ये ट्रेन है वो ये साइड पे फाइव हंड्रेड चला जाएगा एंड द अदर ट्रेन विल गो सिक्स हंड्रेड दिस वे सो टोटल ये हो गया आपका इलेवन हंड्रेड करेक्ट ओके अभी आपके पास क्या है स्पीड भी आपको ऐड करना है तो स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज एक्स तो सिक्सटी प्लस एक्स आपका स्पीड है Distance is equal to 1100. Time is equal to how much? 0 0.6 minute is how much? 36 seconds. 36 seconds. Time is 36 seconds. So speed is equal to distance upon time, which is 1100 meters on 36. Correct? ये सर नो कितन अभी इसको हमें yes, क्या sir. ये मीटर्स पर सेकेंड है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन किलोमीटर्स पर आर एटीन बाय फाइव सो एटीन इंटू वन एटीन इंटू टू टू इंटू फाइव इज टेन इलेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन इज हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर्स पर आर विच इज इक्वल टू सिक्सटी प्लस एक्स सो एक्स इज इक्वल टू fifty understood everyone Has everyone understood Yes sir yes sir please note it down. and wait for two minutes, okay? Okay, so we have done the important sums from the textbook. Okay, now we'll solve the past question paper questions. Is it clear, everyone? Is it clear? Yes, yes sir. we'll start with 2015 paper. Okay. So, please, what you can do is see now there's no worksheet for this chapter. So, what you will do is just note down the year and the question number. Okay. Is it clear, everyone? Yes. So, question number 18 from the past question papers. Train length is given. Okay. 450 meters it passes a signal pole signal pole in 30 seconds passes signal pole in 30 seconds okay with the same speed how much time will it take time is equal to question mark when it crosses a platform of length 1500 meters. Okay. Is the question clear? Yes, sir. So, when it is crossing a pole, it is a single point. Okay. Single point is तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर फिफ्टी मीटर्स टाइम इज इक्वल टू थर्टी सेकेंड्स स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना होता है फिफ्टीन मीटर्स पर सेकेंड सर फिफ्टीन यस 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 students is there any difficulty in calculation so you can ask me okay now when it's crossing the platform it is train plus platform okay so distance is how much tell me 1500 meters one thousand nine fifty very good ट्रेन का फोर फिफ्टी प्लस पंद्रह सौ स्पीड कितना है आपका टाइम इज़ इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड अपॉन कितना आएगा कितना वन फोर्टी वन थर्टी ओके One thirty seconds, which is two minutes ten seconds. Is it clear? Yes. Please note it down or take a screenshot so we can do other sums. Question number 34 from the same paper, okay, 2015. Okay. A person walks at 10 kilometers per hour. There is a person whose speed is equal to. 10 kilometer per hour had he walked at 14 kilometer per hour okay had had his speed been speed had a speed 14 kilometer per hour he would have walked 10 kilometer more okay so if this was a speed time is same in both the cases time is equal to t here also in the same time he would have walked how much distance more 10 kilometer more okay so how to solve this question now see speed into time is equal to distance so 10 into t is equal to d okay and 14 into t is equal to d plus 10. समझ में आया टेल मी हाँ बोलो कनंद सर यू सब्स्टिट्यूट डी फॉर टेन इन टू टी इन सेकेंड इक्वेशन okay that is one way other ways this remains same okay this equation will become 14 into t minus 10 is equal to d is it correct yes sir now both yes, sir. it is d so we can write 10 into t is equal to 14 into t minus 10

किलोमीटर सो वन किलोमीटर पर आवर इट विल बी टू पॉइंट फाइव मोर किलोमीटर लाइक दैट यस करेक्ट बट नाउ चेक ओके टाइम इज टू पॉइंट फाइव सो फोर्टीन इंटू टू पॉइंट फाइव कितना होता है थर्टी फाइव सो करेक्ट

ये तो लॉजिक है इसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है ओके ओके सर थैंक है यू उसको सर सिक्सटी से डिवाइड कर लो तो पर मिनट मिलेगा आपको ओके सर थैंक यू सर हाँ अंशिता क्या डाउट है बोलो सर मुझे ये पार्ट नहीं समझ आया जहां पर आपने फोर्टीन टाइम्स डी मतलब टेन टाइम्स डी टी को इक्वल्स टू फोर्टीन टाइम्स

आपको दिया है टेन टी इज इक्वल टू फोर्टीन टी माइनस टेन तो आप क्या करोगे जिसमें वेरिएबल है वो एक साइड पे लेके आओगे तो ये प्लस है तो ये दूसरे साइड पे जाएगा तो माइनस होगा ये माइनस टेन अदर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो यू गेट टेन इज इक्वल टू फोर्टीन टी माइनस टेन टी सो यू गेट टेन इज इक्वल टू फोर टी अंडरस्टिक वॉट इज योर डाउट the previous question question what uh, doubt I just wanted to take a screen done students yes sir sir uh, can I take the screen of this question 2016. Question number one. A car covers a distance of. There's a car. Distance is equal to 200 kilometers. Time is equal to 2 hours 40 minutes. There's a Jeep. Okay. This is the last 10 minutes of the class. Okay. Jeep. Hai. जो भी डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है टू हंड्रेड किलोमीटर्स पर टू हंड्रेड किलोमीटर्स टाइम इज इक्वल टू टू आवर्स ओके वी नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड में आएगा आपका कार का स्पीड अपॉन जीप का स्पीड क्योंकि इन द क्वेश्चन कार डिटेल्स आर गिवेन फर्स्ट ओके इज दिस क्लियर हाउ डू वी सोल्व दिसमी फाइव स्पीड ओके करो स्पीड फाइंड आउट करो अभी एक काम करो पहले कार के लिए आप स्पीड क्या लिखोगे टू हंड्रेड अपॉन इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो कितना आएगा वन सिक्सटी तो जाएगा वन ट्वेंटी कार का स्पीड टू हंड्रेड अपॉन वन सिक्सटी जीप का स्पीड टू हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी करेक्ट अभी इन दोनों का रेशियो लेना है मतलब डिवाइड करना है एक दूसरे को तो टू हंड्रेड अपॉन वन सिक्सटी डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या होता है चेंज हो जाता है एक फ्रैक्शन तो टू हंड्रेड अपॉन वन सिक्सटी इन वन ट्वेंटी अपॉन टू हंड्रेड इज दिस क्लियर रुक जाओ ये और ये और so का क्या हो गया कार इजू जीप इज इक्वल टू थ्री टू फोर अफकोर्स स्पीड ऑफ जीप इज मोर राइट सो हाउ इट कैन बी लेस देन इन रेशियो यस नो स्टूडेंट्स अभी yes, sir. ये सब हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया अभी एग्जाम में अगर ऐसा लेट्स से सेम क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे ये देखो इट्स वेरी इजी स्पीड इज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो इज दिस वे वन अपॉन टी इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको अभी टाइम दिया हुआ है दोनों का तो आप उसका रेसिप्रोकल इज दिस क्लियर स्पीड इज वन बाई टी ये बस अभी ये इसको समझने की जरूरत नहीं है आपको ये बस आप ऐसे ध्यान रख सकते हो एक चीज कि ये सर ने बताया था एग्जाम में हम कैसे यूज करेंगे इसको सो so, दोनों का टाइम जो है ना वो ऑपोजिट ले लो तो अगर अभी आपको क्या फाइंड आउट करना था आपको फाइंड आउट करना था स्पीड ऑफ कार अपॉन जीप करेक्ट तो आप किसका रेशियो लोगे टाइम ऑफ of... क्या करोगे स्पीड ऑफ uh, मैंने स्पीड कर का हमने किया है कार अपॉन जीप तो टाइम किसका फाइंड आउट करोगे टाइम का अपॉन अपॉन कार कार तो क्या आ जाएगा आंसर वन ट्वेंटी अपॉन वन सिक्सटी समझ में आया देखो ये दो स्टेप yes. में आपको आंसर मिल गया इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और नोट इट डाउन Understand the process and then use the shortcut in the exam. Okay, sir. So what was the sign that you had given between s and 1 upon inversely time? proportional? I don't know whether the sign is correct or not, but you can write speed is inversely proportional to time. ओके okay. ये स्टेटमेंट आपको बाद में सिखाया जाएगा आप इतना याद रखो दैट्स इट वरना ये मेथड फॉलो करो हाँ अर्नब बोलो सर माय डाउट इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन देन बट इट्स रिलेटेड टू एग्जाम इन वन ऑफ द क्वेश्चन दे आस्क्ड अबाउट मीन प्रोपोर्शन व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन

उट दोर्शन इज प्रोबेबिलिटी पोर्शन नहीं आईपीएम टेक्सट बुक नहीं है क्या आपके पास नो सर So, please stay, just look, uh, have a look at the portion at least. It is given on the IPM website. Okay, okay. Sir. Arnav, do you know what are equivalent fractions? Yes, sir. What is sir? equivalent fractions are fraction which represent the same number but with a different form. Example: uh, 1 by 2 and 2 by 4. Oh, that's it. So, 1, 2, टू फोर आर इन प्रपोर्शन ओके इसका ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसका एक फॉर्मूला है अगर चार नंबर्स के बारे में दिया है ठीक है अदर्स ऑल्सो दोज अगोट एन और दो प्लीज पे अटेंशन फोर नंबर्स आर इन प्रपोर्शन अगर दिया है तो आपका फॉर्मूला होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी वेर यू नीड टू चेक If a into d is equal to b into c, this is for four numbers, okay. And if it is asked for three numbers, okay, three numbers in proportion, I'm not writing this. So the numbers are a upon b is equal to b upon c. So you get a into c is equal to b square. So if they have asked you four numbers are in proportion, find the fourth number. So you'll use this one. If they have given you three numbers are in proportion, find the first, second or the third number, whatever it is, you'll use this formula. Is it clear? Yes, sir. In exam, they had asked 1 by 240 and 1 by 80 mean proportion. हाँ तो वो दो दो ही दिया है ना तो मतलब ती, तीसरा ही फैक्टर आपको ढूंढना है तो ए बी सी वाला यूज करोगे जब थर्ड नंबर पूछा है आपको तो वो ट्राई करो आप सॉल्व करना वो फ्रैक्शंस है ट्राई इट सॉल्विंग ओके ओके सर ओके प्लीज जो जो ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्विकली वी आर गोइंग टू एंड द क्लास नाउ ओके ये हो गया सबका ओके सो सी नेक्स्ट वीक व्हिच इज नेक्स्ट फ्राइडे जो भी डेट होगा वी हैव टू स्टार्ट विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड सिंपल इक्वेशंस ओके यस सर टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा हम टाइम सॉल्व करेंगे सो नेक्स्ट वीक ऑल्सो इट विल टू आर क्लास और वन आर फोर्टी फाइव क्लास वॉट एवर इट इज नो सो वॉट विल डू टाइम एंड वर्क एक और दस एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे पाँच पाँच करके सो नेक्स्ट क्लास फाइव उसके बाद फाइव ओके एंड वील स्टार्ट विथ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंपल इक्वेन्स बिकॉज नाउ सी हाउ मच टाइम वी हैव इन February we are having how many classes?

बिकॉज हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं कि हम फिर से सारे चैप्टर्स का रिविजन कर सकें ओके एंड नाउ इट्स ऑन यू ओके आई थिंक आई हैव क्लियर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स जो भी कंसेप्चुअल डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो क्लास में बाद में मेरे पास वेट करके और अगर नहीं है डाउट्स एंड देन एट द एंड एग्जाम इज़ नियर यू टेल दैट्स और इतने सारे डाउट्स है बिकॉज आई हैव अदर क्लासेज ऑल्सो आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू ऑल ओके सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड एंड मोमेंट वी डोंट वांट अ फाइट इन अ ग्रुप विद पेरेंट्स दैट सर लास्ट मोमेंट पे आप मदद नहीं कर रहे हो आई होप हैव मेड दिस क्लियर सी टू मंथ्स मोर देन टू एक्चुअली ट्वेंटी डेज ऑफ अप्रैल थर्टी डेज ऑफ मार्च एंड थर्टी डेज ऑफ फेबर तो आपके सिक्सटी टू सेवेंटी डेज है उसके अंदर जो भी डाउट है प्लीज फाइंड आउट करो आपके डाउट्स एंड पूछना स्टार्ट कर दो ओके बाय एवरी Okay, sir. Thank you sir. Bye, sir. Happy bye, sir. Thank you. Bye, thank you, sir. Bye, bye, sir.